कराची में चैलेंज है भाई, ऐसा अफगानी पुलाव कोई नहीं बना सकता। हेलो और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हालचाल आप लोगों की। आपका भाई आपका दोस्त एमएसएम आपकी खिदमत पे एक बार फिर हाजिर हो चुका है एक नए व्लॉग के साथ। तो भाई मौसम को देखते हुए हम भी पहुंच गए हैं एक माजिद कहाँ पे, मौसमिया। तो भाई और हमारे जेब में इत्तफाक से 1000 रुपया पड़ा हुआ था, तो हमने बोला चलो भाई आज मौसमियात पे 1000 वाली सीरीज शुरू कर देते हैं और मौसमियात पे लेते हैं इस 1000 रुपए का इम्तिहान कि भाई मौसमियात हमें इस 1000 रुपए में इस दौर में कितना कुछ खिला सकती है। माजिद कितना कुछ खिला सकती है? मुझे नहीं लगता ये 1000 मौसमियात पे जीतेगा भाई। अबे मेरे भाई मुकाबला करवाएंगे, हम भी ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। ये चर्सी कबाब, चर्सी कबाब पेशावर में मुकाबला है। क्या 1000 रुपए में मौसमियात हमारा पेट भर सकता है या फिर घर जाके माजी से चूल्हा ऑन कराना पड़ता है, ये देखने के लिए आइए अपने रिवायती अंदाज में चल के इस वीडियो का आगाज करते हैं। माजी यार मौसम भी हुआ है औसम और मौसमियात आए हुए, तो यार जरा महकमे मौसमियात वालों से पता करो बारिश कब हो रही है। सही भाई, मौसमियात आए हुए इसका मतलब ये थोड़ी है कि महकमा मौसमियात वालों का ऑफिस यहाँ पर होगा। हाँ ये बात भी, चलो चलो फिर कॉल करके पता कर लेंगे। सही है, 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। चलो भाई आओ, सबसे पहले हम लोगों ने क्या खाना है मौसमियात पे भाई 1000 रुपए में, हम लोगों ने आज ठीक ठाक यहाँ से खा के जाना है। यार ठीक ठाक तो खाना है, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सईद भाई हमेशा मुझे पकड़ते हैं ऑफिस से। सईद भाई आज मैंने लंच भी नहीं किया हुआ, भूख लगी हुई टाइट, तो पहले थोड़ा सा कुछ हैवी हो जाए उसके बाद फिर चलते हैं। फिर क्या क्या होना चाहिए हैवी के अंदर? यार हैवी अगर मैं भी मानूं तो यहाँ पे जो है ना बिरयानी का कोई सीन बना लेते हैं। नहीं माननी पड़ेगी, अच्छा आइडिया। तो भाई सबसे पहले बिरयानी करते हैं और यहाँ पे है मौसमियात में फेमस बिरयानी है हनीफ की, हनीफ राजपूत वालों की है फेमस बिरयानी। तो सबसे पहले 1000 रुपए की शुरुआत वहाँ से कर। भाई कौन कौन सी बिरयानी होती है आपके पास? चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी, बीफ पुलाव। चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी, बीफ पुलाव। तो ये बनता यहीं पर है कहीं और से बन के आते हैं? नहीं पीछे से। पीछे बन, अरे भाई ये देखे पीछे भाई फुल सेटअप लगा हुआ है, यहीं पर ही बिरयानियां बन रही हैं और यहीं पर ही जो है ना दी जा रही है। क्या बात है भाई, बड़ा सेटअप है माजिद। अच्छा तो बीफ बिरयानी भी है, चिकन बिरयानी भी है और कौन सा पुलाव है? बीफ पुलाव है। तो फिर कौन सी बिरयानी हो जाए माजिद, उनसे पूछ रहे। सबसे चलने वाली और फेमस चीज क्या है, वही खा रहे। सबसे ज्यादा क्या खा रहे हैं लोग यहाँ पे, कौन सी बिरयानी? चिकन बिरयानी खा रहे हैं। चिकन बिरयानी खा रहे हैं, तो फिर हम भी चिकन ही बिरयानी खा लेते हैं। जैसे कि माजिद ने बोला था कि यार मुझे भूख लगी हुई है, तो उस वजह से ये आप बिरयानी की प्लेट की आप जाना जरा शक्ल देखना, ठीक ठाक भरी हुई प्लेट है। अमूमन बाकी जगहों पर प्लेट इतनी होती नहीं है, वो कम भरी हुई होती है। इसका क्या चक्कर है, इसका क्या रेट है, मैं आपको खा के बताऊंगा। अबे चिकन मंगाई थी, सादा दे दी क्या ये? नहीं चिकन है, किधर है ये? बिरयानी दिखने में तो भाई बाकियों की तरह बहुत ज्यादा रंग बिरंगी नहीं है, लाइट से कलर है और थोड़ा सा जो है ना दाना चिपका हुआ है, बिल्कुल दाना अलग अलग नहीं है। अब शायद उन्होंने जो है ना बिल्कुल वो जो तह में होती है ना बिरयानी वहाँ से निकाल के दिए सभी, तभी शायद जो है ना इसका दाना दाना थोड़ा सा चिपका हुआ है। इस बिरयानी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा मीनाकारी नहीं हुई, जिस तरह घर के अंदर एक जो लेवल की बिरयानी बनती है ना घर के अंदर जबरदस्त वाली, सेम टू सेम इसका वही टेस्ट है। इस बिरयानी के अंदर जो है ना आपको थोड़ा सा खट्टापन महसूस होगा, खट्टा एक होता है नमकीन नमक वाला, वो वाला नमकीन नहीं खट्टा। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो है ना टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा किया। ये देखें अभी भी आपको एक बड़ा सारा टमाटर का पीस नजर आ रहा होगा, इसकी वजह से जो है ना बिरयानी के अंदर एक अच्छा टेस्ट आ रहा है। क्या ख्याल है, कैसी लगी? खाने दो यार, पहले खाने दो, भूख ज्यादा लगी है। सिर्फ भूख मिटाने जैसी है या अच्छी भी है माजिद? नहीं दमदार है। दमदार है, मतलब बिरयानी में दम है भाई, दम है। अच्छा व्यूअर्स ये एक प्लेट थी हमारी 410 रुपए की, ठीक ठाक पैसे ले गई। उसकी वजह ये है कि जिस तरह बाकियों की मिलती है ना पाव वाव, ये पाव नहीं थी, तकरीबन इसका आधा केजी थी, तकरीबन हाफ केजी थी और ये डबल प्लेट थी। बस ये है कि इसके अंदर चिकन का पीस सिर्फ एक था, चिकन का पीस डबल होना चाहिए था मेरे हिसाब से, वरना तो थोड़ी सी ये महंगी पड़ रही है उस हिसाब से। अगर चिकन के दो पीस होते ना फिर सही थी ये, क्योंकि राइस की क्वांटिटी डबल जितनी थी लेकिन पीस एक था तो उस वजह से थोड़ा सा वो कॉस्ट। और वैसे अगर आप यहाँ पर खाएंगे बैठकर तो 360 रुपए की हमें मिली, 410 रुपए की, 50 रुपए भाई जीएसटी टैक्स भी है यहाँ पर, ये जीएसटी टैक्स का लेवल है भाई। और भाई
तो भाई अभी सईद भाई थोड़ा सा पहुँचने वोचने दे दो, वरना फिर कमेंट आ जाते हैं कल्लू मिराणी कल्लू वाली मिराणी पहुँचो नहीं। फिर ऐसा करो तुम जो ना साबुन से जाके मुँह धोकर ₹410 तो हम लोगों ने यहीं फूंक लिए, पीछे रह गए ₹590। अभी हम लोगों ने एक चीज खाई है, और हमारा कोई ऐसा व्लॉग नहीं है जिसमें हम लोगों ने 1000 में कोई 5-6 चीजों से कम चीजें खाई हो ना, मुमकिन 5-6 दो मिनिमम भी ना, 4 चीजें तो हम लोग खाते ही खाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो भाई वो भी मुश्किल लग रही है, बहुत मुश्किल है भाई। अब देखते हैं क्या होता है, हमारे 1000 की तो हेकड़ी निकल गई है। यहाँ के रिहायशी कुछ मिल गए, इनसे थोड़ा सा पूछते हैं हमें क्या खाना चाहिए। क्या हाल है भाई? ठीक है, आपसे यार ये बताओ, हमारे पास बजट है बिल्कुल थोड़ा सा ना, और हमें यहाँ पर चीजें खानी है अभी ठीक ठाक, तो हमें कम बजट में कौन सी अच्छी चीज खानी चाहिए यहाँ पर सपूरा पे? आप तो यहाँ के रिहायशी, आपको पता होगा यहाँ पर ना अडवानी होटल वाला बेटा सेटअप थोड़ा हल्का है, लेकिन इसका ना आइटम थोड़ा खाली। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज होती है, जैसे कि सीख कबाब हो गई, बोटियाँ वाली हो गई, कबाब वाली हो गई, और अडवानी पुलाव भी मिलता है। अच्छा भाई, ये रहा है वो छोटा सा सेटअप, शाही दरबार के नाम से है, जो इन्होंने तख्त लगाए हुए हैं खुले में, बिल्कुल जो है ना आप खुले में बैठ के एंजॉय करो खाने को। ये क्या चीज है? नमकीन रोज भाई, यहाँ पर नमकीन रोज भी मिलेगा, अगवानी बोटी भी मिलेगी, और क्या क्या मिलता है यहाँ पे? अगवानी बोटी है, चर्सी कबाब है, ये स्पेशल अगवानी बोटी। ये क्या है? ये चर्सी कबाब। चर्सी कबाब हाँ मुकाबला है। ओए पेशावर वाले जो निसार चर्सी है ना, वो तो काफी ज्यादा फेमस है, कह रहे हमारा उनके साथ मुकाबला है। क्या बात है भाई, उसका कितना बड़ा सेटअप है, इतने सेटअप वालों ने मुकाबला लगाया हुआ है, चैलेंज है हमारा। अफगानी बोटी और चर्सी कबाब पूरा कराची में नहीं मिलेगा, पूरा कराची में नहीं मिलेगा भाई। भाई बड़े दावे हैं भाई खान साहब के सामने। हाँ वैसे ये जो सेटअप लगा हुआ है ना, ये शाही दरबार के बिल्कुल साथ ही है, और इसके अंदर भाई इनका काबुली पुलाव तैयार हो रहा है। आग लगा हुआ है नीचे, कोयले मोयले जल रहे हैं भाई, कोयले पे बनाते गैस पे नहीं। क्या बात है भाई, क्या बात। चूंकि हमारे पास बजट है कम, तो उस बजट को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे सीखें मंगाई हैं, और हम लोगों ने मंगाई हैं टोटल 3 सीखें, जिसके अंदर है 2 अगवानी बोटी और एक है चर्सी। ये कौन सा है? चर्सी, ये चर्सी कबाब है। तो भाई सिर्फ टेस्ट ही करना, जाहिर बात है बजट के हिसाब से ही बंदे को चलना होता है। तो जनाब अभी खा के देखते हैं, और साथ में हम लोगों ने चपाती भी मंगा ली है, बिल्कुल गर्मा गर्म चपाती आई है। ओए भाई, साथ में ये चटनी भी दी हुई, चटनी किसकी? हरी मिर्च की चटनी है ये, टमाटर की चटनी है ये, टमाटर की चटनी है भाई, ये हरी क्यों लग रही है? हरा मिर्च भी डला हुआ है क्या इसके अंदर? और साथ में इन्होंने मसाला भी दे दिया। तो सबसे पहले आते हैं भाई अगवानी बोटी पे, ये एक बोटी है, फिर एक चर्बी का पीस है, फिर 2 बोटियां हैं। एक बोटी आ गई और एक चर्बी का पीस आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगवानी बोटी जो है ना, ये बगैर मसाला लगाए खाने जैसी है, क्योंकि इसके बीच में जो चर्बी ऐड हुई होती है ना, वो चर्बी पिघल के साइड वाली बोटियों को इतना टेस्टी बना देती है, इतना जूसी रसीली के क्या बताएं, बगैर मसालों के भी अपना इनका जो रियल टेस्ट है ना वही आता है, और क्या कमाल टेस्ट आता है यार। अभी जरा इनको जो है ना रूखा खाएंगे चटनी में डिप करके, चटनी के साथ भी अच्छी है, चटनी का भी अच्छा टेस्ट आ रहा है, लेकिन इसको बंदा बगैर चटनी बगैर मसाले के खाए ना, तो एक कमाल का टेस्ट पाएगा बंदा। अभी बारी है भाई चर्सी कबाब की, आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं भाई, चर्सी कबाब के अंदर उन्होंने इस तरह टमाटर भी लगाया हुआ है, साथ में फिर हरी मिर्च भी है। ये आ गया भाई चर्सी कबाब। अच्छा ये भी बीफ का ही होता है ना भाई? ये भी बीफ का ही है, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं है, प्रॉपर आपको मीट का टेस्ट आ रहा है, और इतनी ज़्यादा जूसी हुई भी है कि क्या बताएं। ओए हो, ये आप मेरे हाथ देखें, इसको खा के तो ऐसे लग रहा है
कि वाकई भाई ये बोलना पड़ेगा कि सेटअप छोटा है लेकिन टेस्ट बड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे सौराब कोर्ट में ना अल आसिफ, ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ की जो है ना अफगानी रोटी खाई है। दम है भाई, दम है भाई। ये देखें आपको, देख ऊपर से सिर्फ गाजर और किशमिश से भाई ढका हुआ है। काबली पलान है इसके अंदर किशमिश, गाजर, पिस्ता, बादाम, अखरोट सब। ओए होए होए होए, कराची में चैलेंज है अफगानी पुलाव, कोई नहीं बना। कराची में चैलेंज है भाई, ऐसा अफगानी पुलाव कोई नहीं बना सकता भाई। हमारा तो दिल कर रहा है यार, हम लोग ये भी खाते लेकिन हमारे बजट से थोड़ा सा आउट हो रहा है। अफगानी पुलाव वैसे कितने की है प्लेट? अफगानी पुलाव बीफ में 400 रुपए है, मटन में 1000 रुपए। बीफ में 400, मटन में 1000। ओए होए होए, वैसे देख के जो क्रेविंग्स आ रही है ना, ये गाजर और किशमिश और ये नीचे ये देखें पिस्ता बादाम भी होता है, पिस्ता बादाम भी होता है इसके अंदर भाई। तो व्यूअर्स ये एक सीख थी भाई 60 रुपए की, तो 3 सीखें हमारी बनी है 180 रुपए की और 20 रुपए की चपाती, तो हो गए टोटल 200 रुपए। और इससे पहले हमारे हुए थे 410, मतलब अभी तक हम लोगों ने दो चीजों के अंदर 610 रुपए फूंक दिए, पीछे रह गए कितने 390 रुपए। और 390 रुपए सही भाई, अभी उतरो तुम यहाँ पे तुम्हें पता लगेगा। 390 रुपए तुम्हें क्या लग रहा है कि ठीक ठाक खा पाएंगे या तुम्हें जो है ना गड़बड़ लग रहा है? नहीं भाई, मैंने तो पहले 1000 रुपए को, अभी तुम्हें मैं दिखाता हूँ ना आज। अब तीसरी चीज क्या होनी चाहिए भाई? यार नमकीन तो खा ली, अब तो चटपटा हो जाए। चटपटा? वैसे यार सही कह रहे हो, शाम का टाइम है और इधर जब मैं चटपटे का माहौल देख रहा हूँ ना, बहुत ही ज्यादा बाजार गर्म है यहाँ पे चटपटों का, और मुँह में पानी आ रहा है तभी। और जो है ना यहाँ पर छोटे जो ठेले स्टॉल्स है ना, उनका बहुत ही ज्यादा रुझान है। तो चलो फिर ये बेहतर रह जाएगा माजिन, मैं तुम्हें एक चाट खिलाता हूँ, चटपटी सिंधी चाट। भाई चाट में क्या क्या डालते हो आप? छोले डालते हैं, आलू डालते हैं, हरी चटनी, मीठी चटनी, दही वगैरह, खट्टा पाने, पापड़ी। भाई दही वाला, चने, आलू, प्याज, चटनियां, उनके साथ साथ जो है इसके अंदर गाजर और खीरा मीरा भी डाला जाता है भाई। ये देखें अभी क्या आएगा इसके अंदर? पापड़ी। पापड़ी आ गई भाई। ये क्या डाल रहे हो भाई? खट्टा पानी। खट्टा पानी आप क्या आएगा भाई? मीठी चटनी। बहुत ही ज्यादा मसालेदार कर दी भाई तुमने तो। हाँ थोड़ा सा ऊपर से लेवल कर दो यार इसको। इतना ऊपर से मसाला ज्यादा दिख रहा था ना, उसको जो बैलेंस किया है ना, इसके अंदर जो मीठी चटनी डाली है ना, और भाई उसने ऊपर से जो इसका मसाला था उसको थोड़ा सा बराबर कर दिया। और यहाँ पे देखिए चाट दे रही है इस तरह कटोरी में। अमूमन ऐसा होता है कि चाट जो ना दी जाती है प्लेट के अंदर। मीठी चटनी है ना उसने कमाल कर दिया, और खीरे और गाजर भी जो है ना इस चाट को जो है ना मजीद टेस्ट इसकी बढ़ा रहा है। बहुत ही शानदार यार। चटखारा चटखारा कर रहे थे, मिल गया चटखारा, कैसा है? मेरी सारी ख्वाहिश आज जब तक मेरी बेगम पूरी करे करे सहित पूरी कर भाई माजिद की बेगम जो है ना उसकी शिद्दत से तलाश है हमें। तो भाई अगर कोई रिश्ते वाली आंटी है आपके पास तो उसका नंबर माजिद को दे। अच्छा ये सामने जो है ना रूफी शॉपिंग मॉल है, और शॉपिंग मॉल्स के बाहर अक्सर इस तरह के जो है ना कार्ड्स लगे हुए होते हैं चाट वगैरह के, गोलगप्पों के। तो ये बिल्कुल सही जगह पर लगा हुआ है। जो बंदे अक्सर जो है ना शॉपिंग वगैरह करने आते हैं तो उनको इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं रिफ्रेशमेंट के लिए ना, तो हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का जिस तरह होता है ना, तो ये उसके लिए बहुत ही बेस्ट है। अच्छा एक बात सुने, इससे पिछला मैंने देसी लाइफ वाला व्लॉग दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी लाजमी देख लेना। ये सिंधी चाट चटपटी चटखारेदार चाट हमारी ले गई, कितने रुपए माजिद? 120 रुपए। 120 रुपए अच्छी खासी क्वांटिटी थी कि दो बंदे खा सकते थे 120 रुपए। तो भाई पीछे रह गए, 270 रुपए। 270 रुपए माजिद, तुम्हें मैंने क्या कहा था दिल छोटा मत करो, 270 रुपए में अभी भी हमारी 3 नहीं तो भी 2 चीजें कम से कम हो जाएंगी। मैं नहीं मानता, महंगाई के दिनों में अगर कहीं पे खाने पीने निकलना है ना तो सईद भाई को साथ चलो, 1000 रुपए में निपट जाओ, निपट जाएंगे। और काफी लोग जब मुझसे मिलते हैं ना वीडियो के अलावा तो कहते हैं कि यार ये तुमने सच में खाई थी, 1000 में इतनी सारी चीजें तुम कैसे खा सकते हो? तो भाई फिर हम लोग ढूंढ के निकालते हैं ना। तो जनाब अब इस चटपटे के बाद क्या होना चाहिए माजिद?
यार अब सीधी बात करूंगा, थोड़ी सी लाइनें हो गई हैं चौक। अच्छा हाँ। लाइनें खोलनी है मतलब? लाइनें खोलनी। चलो भाई लाइनें खोलते फिर तुम्हारे को एक ना ठंडा पिलाता हूँ। कितने का एक गिलास तुम्हारे पास लीमू पानी? 50 रुपए का है। जबरदस्त वाले दो गिलास मार देना। कितने लीमू डालते हो एक गिलास के अंदर? दो लीमू। अभी ये पानी आएगा, पानी कौन सा? सादा पानी है? चीनी वाला। चीनी वाला पानी है मीठा। हाँ ये देखो हिलाना तो भाई से सीखो आप, कितनी जोर जोर से हिला रहे। अबे पास करो थोड़ा रिव्यू भी तो दो। अल्फाज नहीं है, अल्फाज नहीं है। बाकी अल्फाज नहीं। आपने चटपटी चीजें खाई हुई हो, बिरयानियां वगैरह खाई हुई हो, जब ये पहला घूंट जब अंदर जाता है बंदा कितना तो हल्का रिलैक्स मिलता है। हल्का तो हो ना हो लेकिन इस तरह की आवाज जरूर निकलती, किस तरह की निकली थी वो पहला घूंट वाले का तो तुमने सुनी थी मेरे को ध्यान। वो ये होता है रियल फील। भाई लीमू पानी के दो गिलास पीने के बाद हमारे पास रह गए हैं 1000 रुपए में से 170 रुपए, क्योंकि 100 रुपए के दो गिलास हमें मिले लीमू पानी के। भाई बहुत खाया पिया है, बहुत खाया पिया, अभी भी 170 रुपए में खाएंगे तो अब क्या हो जाए? अगर माजिद रुको मैं तुम्हें इस 170 रुपए में रात का नाश्ता करवाऊं। रात का नाश्ता है कि यूनिक सा है? रात का नाश्ता, सुबह का नाश्ता ना सुनाऊंगा मैं तुम्हें, रात में नाश्ता कराता हूँ। तो भाई 170 रुपए में अगर मैं तुम्हें दिल पसंद से भाई दिल पसंद ले और मुझे भी जूते करूं खा लेगा। अबे हौसला रख, तुझे मैं नाश्ता कराता हूँ हलवा पूरी का, वो भी रात के अंदर। हो जाए दिल पसंद पे रात को भी सुबह वाला माहौल लगा हुआ है। क्या बात है भाई लश पर, ये बड़े स्टाइल से भाई ने फेंकी। भाई एक दफा और स्टाइल हो जाए जरा, ये पूरी वाला फेंकना जरा, फेंकना स्टाइल से ये। भाई रात का नाश्ता तो है ही है दिल पसंद पे, साथ ही साथ भाई चिकन के चरवे भी लग रहे हैं ये देखें। ओए होए जबरदस्त, ओए होए होए होए। जनाब दिल पसंद की हलवा पूरी हमारे पास आ चुकी है और हम लोगों ने मंगाई है 3 पूरियों का साइज देखें, बिल्कुल सही साइज है भाई, बड़ा साइज है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोटे, और साथ में ये चने का सालन दिए आलू की तरकारी। मुझे ये है कि बाद में पता चला कि भाई हलवा यहाँ पे अलग से मिलता है, अगर पहले वो सही से मुझे बताता ना तो मैं क्या करता 2 पूरियां लेके थोड़ा सा हलवा भी ले लेता, क्योंकि बजट से आउट हो रहा था। अभी 3 पूरियों के बाद अगर मैं हलवा लूँ ना तो थोड़ा सा बजट से आउट हो रहा है, तो इस वजह से हलवा यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है। बहुत ही ज़्यादा क्रंची भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, और चने का सालन भी ये देखिए आप गाढ़ा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पतला। अमूमन ऐसा होता है ना कि हलवा पूरी के साथ चने का सालन बिल्कुल ही पतला सा दिया हुआ होता है। ऐसे एक बात है, इतना मज़ा पूरी और चने तो सुबह के नाश्ते में भी नहीं देते जितना रात के नाश्ते में मजा करा रहे। लग नहीं रहा था अपने हजार में इतना कोई दम होगा, इतनी कोई ताकत होगी यार। अगर इसी हजार पे में आप दिल पसंद से जो है ना आपको पूरी आलू की तरकारी और छोले भी मिल जाए उसी 1000 रुपए के रेट में, जबकि इससे पहले भी आपने इतना कुछ खाया तो और क्या चाहिए भाई, सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। जनाब ये आलू का सालन, आलू की तरकारी और चने का सालन मिला के। तो व्यूअर्स ये थी 1 पूरी 60 रुपए की, इस तरह हमारा भाई 3 पूरियों में 1000 रुपए पूरा का पूरा मुक गया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी, हम लोगों ने कितना कुछ खाया, क्या कुछ और खाना चाहिए था इसमें, क्या ये ठीक है, ये तो फिर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। हम लोग मिलते हैं आपके साथ अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।